कार्तिक का महीना त्योहारों का महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें एक के बाद एक त्योहारों की झड़ी जो लगी रहती है। हमारे बापू त्योहारों के इस अवसर पर हम सभी साधकों को अपने भीतर झांकने और अपने ईश से एका बनाने की विशेष सलाह देते हैं। ग्यारह नवंबर को धनतेरस है। इस धन में 64 दुर्गुणों व 16 सद्गुणों की चर्चा करते हुए बापू अपने साधकों को समझा रहे हैं कि धनतेरस पर हमें क्या और कैसे करना चाहिए। धनतेरस को लक्ष्मी पूजन होता है। 64 दुर्गुण होते धन में और 16 सद्गुण होते। धन से आदमी अहंकारी बन जाता है, भोगी बन जाता है, अपना ऐब छुपा लेता है, दूसरों को तुच्छ गिनता है, धन इकट्ठा करने का लोभ बढ़ जाता है। इस प्रकार 64 दुर्गुण है धन में। अर्जित करने में परिश्रम, संभालने में परिश्रम और अंत में छोड़ के ही मरना पड़ता है। और 16 सद्गुण है कि इसी धन से माता पिता की सेवा कर सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है, गुरुजनों की भक्ति सेवा ज्ञान प्रचार प्रसार आदि कर सकता है, पितरों का तर्पण आदि कर सकता है। स्वयं कुछ दिन धन है तो एकांत में रहकर परमात्मा का भजन करके उन्नत हो सकता है। इस प्रकार के 16 सद्गुण भी हैं। तो भारतीय संस्कृति ने हर वस्तु के सद्गुणों का हिस्सा अपने जीवन में लाने की सुंदर व्यवस्था की। धनतेरस को जो धन का लक्ष्मी का पूजन है, वो धन इतना दुखदाई नहीं जितना स्विट्जरलैंड वालों के लिए धन दुखदाई होता है। तो धनतेरस पर्वों के पुंज दिवाली 5 दिनों का पर्व वित्त को लक्ष्मी बना दे और वो नारायण की यात्रा में जैसे माँ पिता के गोद में बिठा सकती और पिता का स्नेह दिला सकती, ऐसे ही लक्ष्मी हमें हमारे हृदय में छुपे हुए नारायण के प्रसाद से पावन कर दे। माँ लक्ष्मी का हम पूजन करते तो वित्त लक्ष्मी महालक्ष्मी महान उद्देश्य के लिए, महान परमात्मा के लिए जिस धन का उपयोग हो, तो समझो हमारे घर में वह लक्ष्मी महालक्ष्मी होकर आई। और जो संभालने का चिंता देती है और ईर्षा देती है, ज्वेलसी देती है, तो वो संपदा है। जहाँ संपदा होती है वहाँ विपदा भी आती है, लेकिन जहाँ महालक्ष्मी होती है वहाँ नारायण होता है। संपदा तो वही की वही है, लेकिन पूजन संस्कार करके उसको महालक्ष्मी के रूप में हम आदरणीय कर देते हैं।